नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न। दोस्तों, ये उपाय रामबाण उपाय है। कोई भी परेशानी हो, जैसे आपका कोई नौकरी, आपकी कोई नौकरी है, कोई आपका बिजनेस है, कई लोग आपके घर के ही होते हैं ज़्यादातर। अगर वो अंदर अंदर आप पर ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, एक बात याद रखना, यदि आपकी समझ में ऐसा कोई व्यक्ति आता है आपके घर का, परिवार का, जो कंटिन्यू आपके घर के लोगों को या बाहर के लोगों को आपके खिलाफ भड़काता है, सिर्फ आपकी चुगली ही करता है, समझ ले ये इंसान समय आने पर बड़ा धोखा करेगा। क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपसे ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है। भले आज वो आपके मुंह पर नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदर अंदर वो आपको दुखी देखना चाहता है। वो नहीं चाहेगा कि आपकी नौकरी धंधे अच्छे से चले, आप अच्छी लाइफ जिए। वो आपके परिवार के बीच में भी ऐसा तंत्र मंत्र भेजेगा कि कटुता हो जाए या फिर चुगली करेगा। कुछ नहीं कर पाएगा तो एक दूसरे को चुगली करके अलग करने की कोशिश करेगा। कई बार काली चीज़ें मिली विद्याओं के द्वारा भी लोग ऐसी क्रियाएँ करते हैं। तो जब भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति अंदर ही अंदर मुझसे कटता है, तो उससे हमेशा सावधान। कभी भी जहां आपका बिजनेस हो, काउंटर के पास उसे खड़ा ना रहने दें। नौकरी है, नौकरी से जुड़ी हुई चीजें उसे टच ना करने दें। आपकी नौकरी से जुड़े हुए लोगों से उसे ना मिलने दें। ऐसे लोग बहुत गंदी वाइब्स छोड़ते हैं, बहुत गंदी वाइब्स छोड़ेंगे। सर्विस में आप जिन लोगों से जुड़े हैं, सभी को आपके अगेंस्ट में करेंगे। जहां आप रहते हैं, ऐसा उच्चाटन करेंगे कि तमाम लोग आपसे अगेंस्ट में जाएं। मतलब ये लोग आपको चैन से नहीं जीने देते। आपके नौकरी धंधे बांधे जाते हैं, तंत्र मंत्र किए जाते हैं, पूजा पाठ बांधी जाती है। अब ऐसे में आप, अगर ऐसा सब कुछ आपके साथ होता है कि नहीं, मैं मेहनत बहुत करता हूँ, आप देखो मैं तो, और तो चलो ठीक है, आप अभी यूट्यूब देख रहे हैं, मैं यूट्यूब पर ही आपको बताऊंगी कि कुछ एक लोगों की चैनल्स में देखती हूँ कि जबरदस्त रूप से बांध दी गई है। वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी वीडियो डालते हैं, दूसरे यूट्यूबर उनकी वीडियो की कॉपी करते हैं, चोरी करते हैं और वीडियो डालते हैं, उनकी वीडियोज़ पर व्यू पड़ते हैं, लेकिन वो जो मेन क्रिएटर है उसकी वीडियो पर व्यू नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि उस पर मेली विद्या छोड़ दी गई है। और ऐसा हर बिजनेस में होता है। आप एक काम करें, कांच के ग्लास में पानी भरें, थोड़ा गंगा जल मिलाएं और एक ताज़ा फ्रेश नींबू उसमें डाल करके शनिवार के दिन टेबल पर रख दें। पूजा स्थान में भी ऐसा ही एक नींबू रख दें। धन स्थान में भी इसी टाइप से एक ग्लास रखें और एक ग्लास नींबू शनिवार के दिन, दूसरे शनिवार के दिन ले जाएं। ये पानी नींबू या तो बाहर फेंके या चौराहे में जा करके डाल दें। ग्लास को धोकर साफ करें, फिर से ग्लास में पानी भरें, थोड़ा गंगा जल डालें और एक फ्रेश नींबू डाल करके धंधे वाली जगह पे, नौकरी वाली जगह पर रख दें। पूजा स्थान में भी बदलते रहें, धन स्थान में बदलते रहें। और अगर रख सकते हैं तो चौखट पर भी आप ऐसा एक ग्लास रख सकते हैं, ताकि नेगेटिव एनर्जी घर में एंटर होते ही वो ग्लास अपने अंदर, वो नींबू अपने अंदर तमाम नेगेटिव शक्ति को खींच ले। और इन नेगेटिव चीज़ों का स्थान ही चौराहा है, इनको चौराहे पर फेंक दो या आराम से वहाँ पर बैठी रहती है। ये बहुत आसान टोटका है तमाम प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से बचने का और अपने धंधे, रोजगार, पूजा पाठ, घर की लक्ष्मी, अपनी सेहत को बचाने का। करके देखिए। जय श्री कृष्ण।